नमस्कार। जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज हम बातचीत कर रहे हैं रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी से, जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं है। विजेंद्र जी, जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। विजेंद्र जी, लोग जानना चाहते हैं कि सातों MP आप जीत जाते हो, 15 साल से नगर निगम में आपका कब्जा है दिल्ली के, फिर विधानसभा में सुपड़ा साफ क्यों हो जाता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये कोइंसिडेंसी है कि हम लोग लगातार लोकसभा में 7 सीटों पर जीत रहे हैं, नगर निगम में भी पिछले 15 वर्ष से लगातार, और अगर पूरा इतिहास देखें 97 से जब से नगर निगम का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, तो 5 बार चुनाव हुआ है, 4 बार भाजपा जो है सत्ता में रही है। कुछ समीकरण विशेष है क्योंकि 1993 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी और उसके बाद कांग्रेस लगातार दिल्ली में जीतती रही। हमें मौका था 2013 में सत्ता परिवर्तन का, जब 32 सीटें हमारी आई थी और 4 शॉट थी बहुमत से, और वो मौका चूका। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक नया प्रयोग हुआ था जिसमें केजरीवाल जी को लोगों ने बहुत समर्थन दिया, वो एक बड़ा कारण रहा कि लोगों का एक ट्रैक चेंज हुआ और आज लोगों को लगता है कि पिछले लगभग 6 सालों में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। वो अलग बात है कि जब 2020 में चुनाव हुए तो कुछ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो कदम उठाए गए केजरीवाल जी ने अपनी कमियों को ढकने के लिए, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर देखा जाए दिल्ली के विकास को लेकर के, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो सरकार इतने भारी बहुमत से जीत कर आ रही है, वो दिल्ली के लोगों का वास्तविकता में कोई भला कर भी रही है या सिर्फ एक मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं दावपेच और राजनीतिक उठापटक के अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए वास्तविक रूप से कुछ कर पाई। वो तो खुला चैलेंज कहते हैं नगर निगम में BJP का कब्जा है, उनके स्कूल देख लीजिए, उनके अस्पताल देख लीजिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, उनके सफाई देख लीजिए, और हमारे पास जो है शिक्षा स्वास्थ्य है वो देख लीजिए, तो दोनों की तुलना कर लीजिए। खुली चुनौती मैं देता हूँ केजरीवाल जी को कि 6 साल में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का डिटोरिएशन हुआ है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का डिटोरिएशन हुआ है, दिल्ली में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, ड्रॉपआउट्स की संख्या बढ़ रही है, विद्यालयों की संख्या घट रही है, इसके साथ साथ दिल्ली में नए विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं, अस्पतालों के नाम पर जो हो रहा है दिल्ली के अंदर वो सब दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली में एक नई डिस्पेंसरी पिछले 6 साल में खोली नहीं गई है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के अलावा और प्रोपेगेंडा करने के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला। नहीं, वो कह रहे हैं कि नगर निगम ने क्या किया। मैं यही कहूँगा, नगर निगम स्वायत्त शासन है, लेकिन ट्राइफर्केशन जो हुआ उसके बाद जो वित्तीय संकट आया, उसके बावजूद दिल्ली नगर निगम ने बिजली, कूड़े से बिजली बनाने का जो सफल प्रयोग किया, आज आप देख रहे हैं कि बवाना में संयंत्र लगा हुआ है और आज वहाँ पर 20 MW तक बिजली जो है पर डे, ठीक है, वो तो कूड़े का निस्तारण भी हो जा रहा है और वो भी हो जा रहा है, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात आपने तो चुनाव में आप कहते हैं ना सर कि कोई बात नहीं, कोई वित्तीय घाटा नहीं होगा नगर निगम के लिए, हम दिल्ली केंद्र से सीधे पैसा लाएंगे, तो अब कैसे घाटा हो रहा है, आप उनको दीजिए पैसा। ये जो बात कहने की है, ये सब लोग जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में नगर निगम निकायों को, पंचायती राज को व्यवस्था में केंद्र सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। देश में सैकड़ों नगर निगम में हजारों पंचायतें हैं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, प्रदेश की सरकारें जो हैं, प्रदेश के व्यवस्था के अनुसार जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से नगर निगमों को स्वायत्त वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा। यहाँ दिल्ली की सरकार नगर निगमों को कमज़ोर कर रही है और उसके पीछे की साजिश है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और दिल्ली में होने आने वाले समय में होने वाले नगर निगम के चुनावों को ध्यान में रखकर केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों से एक दुर्भावना से जो ग्रस्त हैं और पूरी तरह से जो कदम उठा रहे हैं वो दिल्ली की नगर निगमों को कुचलने के लिए उठा रहे हैं।
उनका कहना है कि साहब आप गाजियाबाद नगर निगम को पर व्यक्ति पैसा देते हैं, फरीदाबाद नगर निगम को प्रति व्यक्ति पैसा देते हैं, गुड़गांव नगर निगम को प्रति व्यक्ति पैसा देते हैं, फिर दिल्ली में ऐसा क्या है? केंद्र सरकार नहीं, झूठ बोल रहे हो, वो दे नहीं सकते। केंद्र सरकार अगर दे सकती है, वहाँ दे सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकती? हाँ, वही कह रहे हैं, वो वहाँ गवर्नमेंट के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट देती है, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर और गाजियाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अच्छा सर, अच्छा क्या ऐसा है कि जब दिल्ली में सबसे ऊपरा साफ हो जाता है बीजेपी का, उसमें भी अगर 3 सीटें जीतते हैं तो विजेंद्र गुप्ता जीत जाते हैं, तो कुछ तो होगा ना आपको, जो आप अपने पास रखे हैं फार्मूला, पार्टी के और लोगों को क्यों नहीं देते हैं? देखिए फार्मूला तो यही है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत अपने कोई व्यक्ति अपने बारे में सीधे तौर पर कोई असेसमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने ये तो बात निश्चित है कि कोशिश की है लोगों के बीच में 5 वर्ष तक लगातार सक्रिय रहने की। ठीक है, तो इसका मतलब और विधायक जो थे और जो कैंडिडेट है उतने सक्रिय नहीं थे जितने आप हैं? हर सीट का अपना अपना एक गणित होता है, हर सीट का अपना समीकरण होता है, हर उम्मीदवार का अपना एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार लोगों के बीच में रहना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोहिणी के मतदाताओं का विशेष स्नेह होना, ये 2 कारण मुझे लगते हैं। नहीं, वो लोग जानना चाहते हैं ना क्या ऐसा मोहनी है, अगर वो भी जीत जाए, जब 3 भी सीट जीतते हैं तब भी आप जीत जाते हैं। तो अखिलेश जी आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, अच्छा राजनीति के विश्लेषक हैं। अच्छा, क्या बीजेपी को ये भी बुरा लग जाता है क्या, वो लीडर आप अपोजिशन से आपको हटा देते हैं? नहीं, ये तो पार्टी में देखिए सबको मौका मिलना चाहिए और नए लोगों को मौका मिला है, तो मैं तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप हाउस में मेज पर चढ़ जाते थे और ऐसा करते थे कि लोग कहते थे कि संवैधानिक मर्यादाएं तार तार हो गई, लोग यहां तक कहते थे कि मार्शल्स को पता हो गया है कि विजेंद्र गुप्ता जी का वजन कितना है, क्योंकि उनको इतनी बार उठा के बाहर करना पड़ता था। एक्चुअली में वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम संख्या में बहुत कम थे, 3 थे, और सत्तारूढ़ दल विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहता था, माइक बंद कर दिए जाते थे और गाली गलौज किया जाता था, हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिले, इसके लिए सत्तारूढ़ दल के विधायक हुड़दंग करते थे और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि विपक्ष को कुचला जा रहा है। हालांकि विपक्ष नगण्य था, लेकिन हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। तो आपको चूंकि आपकी संख्या वेलकम थी, इसलिए आपको मजबूरी में सब करना पड़ता था। भ्रष्टाचार के मामले पर अगर सरकार भाग रही है और सदन में उसकी रिपोर्ट नहीं रख रही है तो क्या करें मजबूर? नहीं, आपने कहा कि टैंकर घोटाला हो गया, 400 करोड़ रुपए का पैसा पहुंच गया, पानी नहीं पहुंचा। ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार वहां से जांच करवा ली होते। बिल्कुल, हमने यही बोला और उसकी जांच चल रही है, ऐसा नहीं है, वो जांच के लिए गया। वो कहते हैं कि चूंकि साहब वो आपकी पत्नी का मामला उठा देते हैं, इसलिए विजेंद्र गुप्ता जी दब जाते हैं, उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कौन सा मामला? वही तो बात है। हाँ। मामला तो हो कुछ। तो फिर किस बात पे केजरीवाल कहते हैं सर कि आपकी मिसेज को मैं हर हाल में जेल भेज दूंगा? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहे हुए 5 साल हो गए उनको। हाँ, तो क्या हुआ, कोई मुकदमा तो दर्ज कराते? जेल तो चलो तभी दर्ज जाएगा, कोई रिपोर्ट तो करते। अच्छा, आपको लगता है सर कि बीजेपी दिल्ली में उतनी दमदारी से मुकाबला नहीं कर पा रही है, अपने केंद्र की उपलब्धियों को ले नहीं जा पा रही है, अब उसके वर्कर उतना मोटिवेट होकर मोहल्ले में काम नहीं कर रहे हैं, और इसी यही वजह है कि चाहे नगर निगम का आने वाला चुनाव हो, चाहे कांग्रेस साफ हो गई, आप भी साफ हो गए? नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, मुद्दे उठा रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, और यही वजह है कि हम लगातार दिल्ली में आज इन लोक विधानसभा चुनावों में भी हमें लगभग 40% मत मिला है और इतने मत पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है लगातार। हाँ। तो बीजेपी दिल्ली में बीजेपी का पूरा एक वर्चस्व रहा है और आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, दिल्ली में अप्रत्यक्ष रूप से आप ही तो शासन कर रहे हैं सर, LG आपका है, दिल्ली पुलिस आपकी है, गृह मंत्रालय के अंडर में है। ये तो देखिए कोई आज से तो है नहीं, ये तो हमेशा से ही परिस्थितियां रही हैं। तो लेकिन दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली की सरकार वास्तविकता में, जैसे आप देखिए उन्होंने
जो हेल्थ स्कीम थी भारत सरकार आयुष्मान भारत उसको लागू नहीं किया। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को दिल्ली मेरठ का जो बन रहा है उसको 2 साल तक लटकाए रखा। आज भी नजफगढ़ में अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा है केंद्र सरकार का, क्योंकि यहाँ दिल्ली की सरकार उसको इजाजत नहीं दे रही है। तो एक एक योजना नहीं है, वही यही तो बात उसको रोक रहे हैं। यही तो बात है ना सर कि वो आपकी योजना भी रोकते हैं, विकास का कार्य भी नहीं करते हैं, तो आप जो उसके बाद वो प्रचंड बहुमत से जीतते भी हैं। मैं इतना जरूर बिल्कुल आपको आपने ठीक कहा, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो चीज़ हम लोगों को समझाने में शायद सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो इस सरकार का रवैया है और दिल्ली के विकास में अड़चन लगा रही है ये सरकार, ये बात लोगों को हम समझाने में शायद सफल नहीं हो पाए हैं और जिसके कारण ये सत्ता में दोबारा आए हैं। लेकिन बावजूद इसके कि हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस सरकार के सामने प्रश्न खड़े करेंगे और लोग उसको समझेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप लीडर, आप एलओपी थे तो रोज चर्चा रहती थी, लगता था कि कुछ हो रहा है 3 आदमी के बावजूद। अब संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई, 3 गुने करीब पहुंच गई है, लेकिन हाउस में सन्नाटा क्यों रहता है, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, हाउस में मुद्दे अभी भी उठते हैं और ज्यादा उठने चाहिए। मैं भी खुद उस सदन का सदस्य हूँ, आगे ध्यान रखेंगे हम। विजन जी, शीला दीक्षित की सरकार रहती थी, 50 पैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत 20 पैसे बढ़ती थी और आप मोटरसाइकिल पर निकल के हजारों हजार कार्यकर्ता के साथ महंगाई का मुद्दा बना देते थे। इतना डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, कभी निकलिए तो मोटरसाइकिल पर। अब देखिए इशू ये है कि पहली बात तो ये है कि अब पेट्रोल डीजल की जो रेगुलेशन है वो डीरेगुलेट हो चुका है और अब वो मार्केट के हवाले है, और ये कांग्रेस के टाइम में ही इस फैसला लिया गया था जो जिसको सभी ने स्वीकारा था। विश्वीकरण के साथ साथ ये सब भी इसका एक हिस्सा है और जिसका लाभ और हानि दोनों है। कांग्रेस शायद लुप्त समान, जैसा मैंने पहले कहा, दिल्ली में है और इसलिए कांग्रेस की आवाज़ सक्रिय नहीं है। ऐसा होता है कि सरकार में रहिए तो विचारधारा अलग हो जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं, सरकार में आ जाइए तो विचारधारा बदल जाती है? नहीं नहीं, विचारधारा तो वही है, विचारधारा में तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता ना, मूल तो विचारधारा है, पार्टी तो बाद में है। बात तो ये है कि जो मुद्दे हमने विपक्ष में उठाए सत्तारूढ़ दल होने के बाद, हमने उनको पूरा किया है। आपको लगता है विजय जी कि जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस की आपको याद शायद इसलिए आ रही है कि आम आदमी पार्टी से आप अकेले इतना मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा कांग्रेस भी सक्रिय हो जाती तो शायद हम ज़्यादा बेहतर मुकाबला कर पाते? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में जरूर सत्ता में है, बाकी देश भर में भारतीय जनता पार्टी का और पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी केंद्र में, 300 से अधिक सीटें, और मोदी जी जैसे हमारे नेता जो पूरे विश्व में जिनकी मान्यता है, तो हमें तो गर्व है, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन कांग्रेस देखा जाए तो एक नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और कांग्रेस के जो हालत दिल्ली में है हम उसको बयान कर रहे हैं। विजय जी, पिछली बार जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो आपने अपने सारे कैंडिडेट्स के टिकट बदल के किसी तरह चुनावी बेतरणी पार कर गए थे, अब कैसे करेंगे इस बार पार? देखिए ये मैं अखिलेश जी यही कहूँगा कि हर चुनाव में पार्टी की एक नीति होती है, रणनीति होती है, जो पार्टी तय करती है विचार विमर्श के बाद। अगर पिछली बार हमने टिकट बदली तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसके प्रति लोगों की धारणा और समर्पण कि एक भी सिटिंग काउंसलर ने उस पर रिवोल्ट तक नहीं किया, कुछ अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं की। केजरीवाल का यही कहना है आम आदमी पार्टी पूरा वार्ड वार्ड में मोहल्ला सभा कर रही है, एक्सपोज कर रही है कि नगर निगम में किस तरह से कूड़ा है, किस तरह से आपके पास एक नगर निगम के पास वेतन देने को पैसा नहीं है लेकिन 2400-2500 करोड़ रुपये आप दूसरे नगर निगम का माफ़ कर देते हैं और इतना बड़ा घोटाला कर देते हैं, तो पैसा आप दे नहीं पा रहे और इतना धन्ना सेठ है एक नगर निगम के दूसरे का किराया माफ़ कर दे रहा है। नहीं, ये तो केजरीवाल जी को मुद्दे नहीं मिल रहे, इसका मतलब तो ये हुआ वो उसको भ्रष्टाचार बता देते हैं। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोगों को इतना ना समझ कैसे समझ लेते हैं कि आप अगर नगर निगम, जो नगर निगम की अपनी संपत्ति है,
और जो ट्राइफर्केशन हुआ था उस समय, जो फैसले हुए थे कि इसी बिल्डिंग में दोनों नगर निगमों के कार्यालय होंगे और दोनों नगर निगमों का सदन होगा, तब फैसले कैबिनेट ने लिए हैं दिल्ली की सरकार ने, और उन फैसलों के अनुसार दोनों नगर निगम उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार का विषय कहाँ से आ गया? वो कह रहे हैं कि साहब वो बैलेंस शीट में दिखाई, दो साल तक आपने दिखाया कि 2450 करोड़ रुपए लेना है, फिर एक आपने बैलेंस शीट से जीरो कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर फैसला कैबिनेट का लागू नहीं होगा नगर निगम पे, तो उसकी मान्यता क्या रही? वो तो आपको लगता है कोई घोटाला नहीं है? घोटाला हुआ कैसे? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि एक सिविक सेंटर है जो दिल्ली नगर निगम ने स्वयं बनाया अपने पैसे से, और वो यूनिफाइड कॉरपोरेशन जब थी उस समय वो तैयार किया गया, बाद में नगर निगमों को तीन हिस्सों में बांट दिया गया, तीन नगर निगम बना दी गई, और ये फैसला लिया गया कैबिनेट में, दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया जो कांग्रेस की सरकार थी कि दोनों नगर निगमों का मुख्यालय सिविक सेंटर में चलेगा, ठीक है, वो फैसला आपके सामने, और एक नगर निगम दूसरे को किराया दे देगा, दूसरे से किराया मांगने लग जाए और दूसरी नगर निगम वो फैसला दिखा दे कि इस फैसले के अनुसार इसमें किराए का कोई अर्थ नहीं बनता है और इसीलिए दोनों नगर निगम यहाँ पर अपना मुख्यालय चला रही है, तो उसमें घोटाला कहाँ से आ गया? वो तो कह रहे कि चूंकि आप चला नहीं पा रहे हैं, नगर निगम आपसे चल नहीं रहा है। आप चाहते नहीं कि नगर निगम चले। आज दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी दिल्ली में खलनायक की भूमिका में है। जिस मौके पर नगर निगमों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है, संसाधन देने की जरूरत है, आप स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बदल देते, उसकी रिकमेंडेशन कोई नहीं मानते, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर देते। उनका यह भी कहना है नगर निगम आपके पास है, स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और दिल्ली की क्या, देश भर के स्वच्छ शहरों में क्या स्थिति है ये आपके, आपको पता है, नाक के नीचे, सबसे नीचे पायदान पे दिल्ली है। दिल्ली देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर जो हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन और घनत्व जो है वो दुनिया में अगर देखा जाए तो पहले दो तीन शहरों में से एक है, और लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर के कदम उठाए गए हैं। ये तो अभी परिस्थितियाँ स्ट्राइक से ऐसा हुआ है, वरना कूड़े का जो निपटान है उसमें बहुत तरह के बदलाव आए हैं, घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, सफाई व्यवस्था में विशेष परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन आपको लगता है कि क्या केजरीवाल कई मामलों में विकास के मुद्दे पे, विकास के मॉडल पे, शिक्षा के मॉडल पे आपको फेल कर देते हैं? नहीं, उनको, उनका कोई मॉडल नहीं है। उन्होंने स्कूलों में कमरे बनाए लेकिन उन कमरों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ उतने बच्चे ही नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। तो आप प्लेग्राउंड ख़त्म हो गए हैं, कमरे बना दिए और कमरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो बच्चों को ना तो प्लेग्राउंड मिला ना कमरों का इस्तेमाल हुआ। तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं इस सरकार की जो वो आपको शायद, आप लोग जो आरोप लगाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आपको उत्तर प्रदेश में वो चैलेंज करते हैं आपके विद्यालय को, वो पंजाब में करते हैं, तमाम राज्यों में वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो इसलिए आप बौखलाहट में कहते हैं कि साहब दिल्ली का पैसा दूसरी जगह ले जा रहे हैं। नहीं, प्रश्न तो ये है कि कहाँ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, कहाँ बढ़ी है बताइए? पंजाब में जब कांग्रेस, जो पहले आम आदमी पार्टी की स्थिति थी उससे तो बहुत कम हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो वो बिना मतलब के जा करके शोर मचा रहे हैं। अभी पीछे जब चुनाव हुए थे तो 0.5% वोट भी नहीं मिला था। तो देश के किसी भी राज्य में मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी को रत्ती भर भी सफलता मिली है अभी तक, तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता। तांडव पे बीजेपी के लोग का बड़ा तांडव हो रहा है, वो कह रहे हैं बड़ी हिंदू भावनाओं को बड़ा आहत किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में हिंदू भावनाएं आहत हो रही हैं, तो केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे है? OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई पॉलिसी आप क्यों नहीं लाते हैं? नहीं देखिए, जो वेब सीरीज है उसमें जिस तरह का भांडा प्रदर्शन होता है और सेंसर से अपने को बाहर करके मानकर वो जिस तरह की गाली गलौज है या हिंदू भावनाओं को आहत करने का जो एक षड्यंत्र है वो लगातार जारी है, और पहली बार वेब सीरीज पर सवाल उठे हैं, और
इस हद तक उठे हैं कि उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी, वो सब हटाना भी पड़ा और केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से ही स्थिति कंट्रोल में आई है। अच्छा सर, एक केंद्र सरकार पूरी फंसी पड़ी है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन इतना लंबा खींच रहा है, सरकार कह रही है कि वो किसानों के हित में काम कर रही है, किसान कह रहे हैं कि साहब वो कानून हमें चाहिए ही नहीं, आप क्यों दे रहे हैं, चंद उद्योगपतियों के इशारे पे आप ये काम कर रहे हैं, तो कोई समाधान देखते हैं, क्यों आपकी सरकार किसानों को मना नहीं पा रही है? ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, वर्षों से ये लागू होने के लिए सभी पार्टियाँ इसके लिए अपने अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने तरीके से ये बात कह रही थी, और बड़ी हैरानी की बात है कि जब वो लागू होने लगा जो किसानों के हित में है, किसानों की आमदनी को दो गुना करने की गारंटी जिसमें है, जिसमें किसानों को एक स्वावलंबिता, किसानों को अपने फैसले लेने का अधिकार, इतना बड़ा फैसला ये किसानों के हक में है, शायद विपक्ष की गैर जिम्मेदार व्यवहार से हम वो किसानों तक नहीं पहुँचा पाए। जिस तरह से आप बार बार कहते हैं कि केजरीवाल अपना एक मॉडल लेके जा रहे हैं, आप कहते हैं केजरीवाल कोई मॉडल नहीं है, तो फिर ये आपको नहीं लगता कि जो जनता इतना वोट उनको दे रही है, नगर निगम में आपके सामने बड़ी चुनौती है, आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं, वर्कर्स हड़ताल पे हैं, वो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा? नहीं, मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी का 5 साल का शासन जो पीछे पीछे था वो सारा सवालों के घेरे में है, लेकिन उन्होंने क्षणिक भंगुर जो फैसले लिए चुनाव से पहले सस्ती लोकप्रियता के लिए, और कुछ ऐसे फैसले जिसमें लोगों को लगा कि हमें बिजली में फ़ायदा होगा, पानी में फ़ायदा होगा, या बस DTC की बस से फ़ायदा होगा, उसके कारण उनका वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई थी उसमें सुधार हुआ, लेकिन ये कोई परमानेंट योजनाएँ नहीं है, ये मैं आपको कहूंगा। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी उनसे अच्छा कहाँ लेके जाए? आप तो शाहीनबाग को लेके बैठे थे, आपको लग रहा था हिंदू मुस्लिम पोलराइज करके हम पूरा चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, तो शाहीनबाग तो हमने तो नहीं शाहीनबाग में बिठाया था लोगों को, आपने बिठाया, आपने हटाया नहीं उनको, हम हटाने वाले कौन होते हैं? गृह मंत्री आपके हैं। देखिए, केंद्र में लोकतांत्रिक सरकार है और मोदी जी का बड़ा स्पष्ट मत है कि लोगों पर हम जोर जबरदस्ती करके, यानी कि लाठी गोली की सरकार नहीं है, जो लोग ये मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि इसको लाठी गोली की सरकार बनाया जाए, उनको समझ लेना चाहिए, चाहे वो शाहीनबाग का मामला हो चाहे वो किसानों का मामला हो, निश्चित रूप से संवेदनशील मामलों पर ये बड़ा स्पष्ट है, हम लाठी गोली चलाएंगे तो देश के दुश्मनों पर चलाएंगे, देश की सीमाओं पर चलाएंगे, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन जो लोग इस ताक में कि लाठी गोली की सरकार देश के अंदर बन जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि आप लेट जाते थे, खड़े हो जाते थे, अब आपके लीडर आप अपोजिशन विधूड़ी जी वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं सदन में, या आपका तरीका गलत था? विपक्ष आज भी उतना ही सक्रिय है जितना पहले था, लेकिन एक तरीका है कि हमारी उस समय संख्या बहुत ही कम थी, मात्र 3 लोग थे हम, और आज बढ़कर के हम आज सब्सटेंशियल नंबर हैं, 8 सदस्य हैं हम, और हम मुद्दे तो उठते हैं उसमें। श्री विजयन गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से, बहुत सफाई से, बहुत चालाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि ये बहुत शालीनता से अपनी हर बात कहते हैं। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।